सिंगरौली के चितरंगी जनपद पंचायत में सरपंच पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि पंचायत विकास के नाम पर पैसे निकालकर उसका उपयोग गलत और मनमाने ढंग से किया गया। चितरंगी जनपद पंचायत के खटखटा ग्राम पंचायत में सरपंच रमेश कुमार पनिका पर लाखों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा है। यह आरोप महिला उप सरपंच के पति हीरा लाल जायसवाल और कई दूसरे शिकायतकर्ताओं ने लगाया है। सरपंच पर आरोप लगाया है कि सरपंच ने 2,70,000 रुपए कार्यालय व्यय के नाम से निकाला है और सचिव लल्लू राम वैश्य के साथ कार्यालय के नाम पर पैसे की बंदरबांट की है। सरपंच ने सड़क निर्माण के नाम पर भी जमकर भ्रष्टाचार किया है। सरपंच ने गल्ला गोदाम के नाम पर 6,50,000 पंचायत के खाते से निकाला है, लेकिन गल्ला गोदाम अभी भी अधूरा पड़ा है। लोगों का आरोप है कि सरपंच सरकारी जमीन पर खुद के घर का निर्माण कर रहा है। जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इन मामलों की जांच कराने के बात कही है। बताएं तो की है, लेकिन सबसे पहले मुद्दा और मामला है पीसीसी रोड निर्माण का, जो कि 8 महीने से उसका पैसा बह कर लिया गया है 4,23,000 रुपए, और अभी तक पीसीसी रोड निर्माण नहीं हुआ है। सरपंच को कहने पर भी वो कहता है कि जब हमारी इच्छा होगी तो बनवाएंगे, नहीं बनवाएंगे, जहाँ शिकायत करना है वहाँ शिकायत कर लीजिए। और इस पर मैं शिकायत भी किया हूँ पूरा मैंने प्रूफ के साथ, मैं कलेक्टर साहब के कार्यालय में आवक जावक में भी दिया हूँ, जिला पंचायत सीओ के पास भी दिया हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। 70,000 रुपये पंचायत व्यवस्था में, पंचायत भवन व्यवस्था में निकाले पैसा सेक्रेटरी, आज तक पंचायत में एक कुर्सी भी नहीं है। लीगल पैसा निकाल शासन का सेक्रेटरी अपना घर में उपयोग कर रहे हैं, लड़के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने जनता को नहीं देख रहे हैं। वहाँ कलेक्टर के यहाँ 2 बार गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ बैगों को पैसा ले लिया वास में, वो भी कुछ नहीं हुआ। न जनता को कहना कि मजदूरों के खाते में पैसा भी नहीं जाता है, बड़े बड़े का कहना कि सेठन के खाते में पैसा जाता है, सिक्योरिटी डालते हैं। अभी इसकी जानकारी मुझे कल ही व्हाट्सएप में इसके थ्रू माध्यम से पता चली है, और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने जिला पंचायत में हमारे अकाउंट्स ऑफिसर हैं उनको यह कार्य दिया गया है कि इसके अकाउंट की जाँच कराई जाए कि आखिर कौन सी राशि कौन सी मद में खर्च की गई है। देखने वाली बात यह है कि पिछले 3-4 महीने से लगभग लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए संभावित है कि बहुत सारे राशि जो निर्माण के लिए लिए गए होंगे या निकाले गए होंगे शायद खर्च नहीं किए गए हैं या नहीं किए जा सके होंगे, तो इसके भी हम लोग जाँच करवा रहे हैं। अगर इस प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाएगी तो कार्रवाई करेंगे, और अगर कहीं ऐसा है कि कहीं पर कार्य करना है रुक गया तो उसको कार्य भी करवा के कम्प्लीट करवाया जाए। जायसवाल के घर से लेकर फतेहलाल जायसवाल घर तक का 4,23,000 रुपये का राशि आहरण कर लिए, और रोड जो है 2019 में स्वीकृत है उसका राशि निकाल के आज तक गमन कर लिए, और रोड कहाँ बना किसी को कोई पता नहीं है, किस पन्ने में बना है, किस रोड बना है, कहाँ बना है, उसके लिए हम लोग नहीं जानते हैं। दूसरा कि 2,70,000 रुपये लॉकडाउन में आया है ये पंचायत व्यय करने के लिए, और राशि कहाँ व्यय हुई है हम लोग उसके बारे में जानते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।